कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला आज अपना नामांकन भरेंगे। तो नामांकन भरने से पहले रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो 84 उम्मीदवारों की जो लिस्ट कांग्रेस की कल सामने आई, उनमें एक नाम रणदीप सुरजेवाला का भी था। बता दें कि कैथल से उनको यहां पर मैदान में उतारा है कांग्रेस की तरफ से, और इसी दौरान नामांकन आज उन्हें दाखिल करना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी पर एक हमला उनके जरिए किया गया है। पिछले 5 वर्षों में भाजपा शासन में अगर कुछ बढ़ा है तो बिजली के बिल, अगर कुछ कटा है तो स्कूटर मोटरसाइकिल कार और ट्रैक्टरों के चालान, अगर कुछ सबसे चरम सीमा पर पहुंचा है तो वो मंदी और तालाबंदी, और अगर किसी से कुछ छीना गया है तो वो है रोजी रोटी और रोजगार। इस सब को बदलने की जरूरत है।